بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين कल के सबक में सूरतुल लहब का सब्बे नुजूल बताया गया था और तर्जमा बाकी रह गया था। इंशाल्लाह आज उसका तर्जमा और तशरीह की जाएगी। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसब। कल इस आयत के ताल्लुक से बताया गया था कि ये सूरह लहब है और इसका एक दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, आप बताइए। हाँ, सूरतुल मसब। इसका एक नाम सूरतुल मसब भी है और शान नज़ूल के ताल्लुक से कल बातें हो गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपने रिश्तेदारों को इंजार और तबलीग करें, दीन की बात बताएं, तो आपने सफा पहाड़ पे चढ़ करके या सबाहा की आवाज लगाई तो सारे लोग आवाज सुनकर के इकट्ठा हो गए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने सबसे पूछा कि बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे घुड़सवार छिपे हुए हैं जो आप पर हमला करना चाहते हैं तो क्या मेरी बात मानोगे। लोगों ने कहा कि नहीं, लोगों ने कहा कि हम आपकी बात को जरूर मानेंगे क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो आपने फरमाया तो सुनो, मैं तुम्हें इस बात से आगाह करता हूं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, शिर्क और कुफ्र से बाज आ जाओ वरना अल्लाह का अजाब आएगा। तो इस पे अबू लहब भड़क गया तो आपकी आवाज सुनकर के अबू लहब भड़क गया और उसने कहा कि तुमने इसीलिए हमको बुलाया था, तुम्हारे लिए हलाकत हो, बर्बादी हो, तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। उस पर आयत नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, तब्बा तब्बा के माने होते हैं टूटना। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। यदा तस्निया का सेगा इस्तेमाल किया गया है, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। क्या मतलब सिर्फ हाथ टूट जाए, ऐसी बात नहीं है। यहां जुज बोल करके कुल मुराद लिया गया है। हाथ टूट जाए मतलब अबू लहब हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, यह मतलब है कि अबू लहब मुकम्मल तौर से हलाक और बर्बाद हो जाए। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए यानी अबू लहब हलाक और बर्बाद हो जाए। मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, नहीं बचाया उसको उसके माल ने, व मा कसब और उसकी कमाई ने यानी जो कुछ वो कमाता था। माल तो ठीक है, माल तो सब जानते हैं, माल दौलत, तो माल ने नहीं बचाया और वो जो उसने कमाया। अब कमाने का मतलब इसमें कई चीजें शामिल हैं, एक तो उसकी रईसाना हैसियत, उसकी ऐशो इशरत की जिंदगी, और इस तरीके से उसमें उसके औलाद भी शामिल है। उसके पास औलादें थी, मालदार तो पहले से था और फखरिया अंदाज में रहता भी था, उसका जाहो मनसब
उसकी रईसाना जिंदगी, उसकी औलाद सब इसमें शामिल है। वह माँ का सब माँ अगना अनहमाल हो, वह माँ का सब नहीं बेनियाज किया उसको, नहीं बचाया उसको उसके माल ने, और वो उसने भी जो कमाता था यानी उसकी कमाई यानी उसके आल औलाद भी उसको बचा नहीं पाए। माँ अगना अनहमाल हो वह माँ का सब सयसला नारं ذات لهب अन करीब वो दाखिल होगा शोले वाली आग में, यानी जहन्नम की आग में वो जाएगा। जहन्नम की आग शोले वाली आग है जो शोला मारती है, यानी अबू लहब का ठिकाना जहन्नम। दुनिया ही ने बता दिया कि सयसला नारं ذات لهب यानी अनकरीब वो दाखिल होगा वो जाएगा। इसलिए माने दाखिल होना, दखलों के माने में है, वो दाखिल होगा वो जाएगा शोले वाली आग में। वमरअतुहु हम्मालतल हतब और उसकी बीवी भी यानी अबू लहब की बीवी भी जहन्नम में जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो जिस तरीके से दुनिया के अंदर अपने शौहर के साथ हमेशा रहती थी, हर गुनाह में उसका तआवुन करती थी, उसके साथ साथ रहती थी, तो जहन्नम में भी उसके साथ रहेगी। वमरअतुहु हम्मालतल हतब और उसकी बीवी जो लकड़ियों को ढोने वाली थी, लकड़ियों को उठाने वाली थी। इसका क्या मतलब? वमरअतुहु हम्मालतल हम्मालतल हतब उसकी बीवी जो लकड़ियों को उठाने वाली, यानी उसकी तफसीर कई एक तफसीर हैं। एक मतलब तो यह है कि जब अबू लहब जहन्नम में दाखिल होगा और जब उसको आग की सजा दी जाएगी, तो ये उसकी बीवी उसके ऊपर लकड़ियों को डालेगी ताकि शोला और भड़के और वो जले। एक तो इसका मफहूम है हम्मालतल हतब उसकी बीवी जो लकड़ियां उठाने वाली या लकड़ियां ढोने वाली, और दूसरा मतलब इसका यह है कि इसे हम्मालतल हतब इसलिए कहा गया कि दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में लकड़ियों को खारदार कांटे बिछाती थी आपको तकलीफ देने के लिए। जिस रास्ते से आप जाते थे तो आपके रास्ते में अबू लहब की बीवी कांटेदार लकड़ियों को डाल दिया करती थी ताकि आपको तकलीफ हो। तो एक मफहूम है वमरअतुहु हम्मालतल हतब उसकी बीवी जो लकड़ियों को ढोने वाली थी, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, जीदुल के माने होते हैं गर्दन और हब्ल के माने रस्सी और मसल के माने होते हैं बटी हुई मजबूत रस्सी, चाहे वो खजूरों की रस्सी हो, चाहे किसी तार हो, कोई तार हो या और किसी चीज की मजबूत रस्सी हो। तो यहां मसद के माने बटी हुई रस्सी। फरमाया फीजी दिया हबलुम मिन मसद, उसकी गर्दन में बटी हुई रस्सी डाली जाएगी, यानी अबू लहब की बीवी के गर्दन में खजूरों की बटी हुई मजबूत रस्सी डाली जाएगी। एक मफहूम तो यह है, यानी जाहिर बात है किसी के गर्दन में मजबूत रस्सी डाल करके खींची जाए तो तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे। तो एक तो माना यह है कि जिस तरीके से अबू लहब का दुनिया में साथ देती थी उसी तरीके से जहन्नम में भी उसके अजाब के साथ रहेगी, और दूसरा मतलब ये है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ये अबू लहब की बीवी दुनिया के अंदर अपनी गर्दन में जीनत के लिए ये कोई तार, चाहे वो सीकड़ हो, चाहे कोई जंजीर हो, चाहे कोई तार हो, वो पहनती थी बराबर, तो उसकी तरफ इशारा किया गया है। तो गोया कि इसमें दो चीजें हैं, दो बातों की तरफ इशारा किया गया है, इसके दो मफहूम हो सकते हैं। एक तो यह है कि फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि
उसकी गर्दन में खजूरों की बटी हुई रस्सी पड़ जाएगी यानी जहन्नम में, और दूसरा मफहूम यह है कि वो दुनिया के अंदर जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए अपने गले में हमेशा एक कोई तार या कोई सीकर, कोई जंजीर पहनती थी। दोनों मफहूम अपनी जगह पे सही है, जो भी हो सब मफहूम सही है। फी जी रिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खजूरों की बटी हुई रस्सी डाल दी जाएगी। ये सूरतुल हक का तर्जमा हुआ और मुख्तसर तफसीर। आगे अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक छोटी सी सूरत जिसे सूरे फतह भी कहते हैं। सूरे फतह जिसमें अल्लाह ने फरमाया इदा जा नसरुल्लाह वल फतह, ये सूरत नुज़ूल के एतबार से कुरान की आखिरी सूरत है। सूरह फतह आप लोग जान लीजिए कि ये आखिरी सूरत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब ये सूरत नाजिल हुई तो सहाबा कराम समझ गए कि अब आपका आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए आपको इस आयत में तहमीद, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया जा रहा है। فرمایا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا। اذا جاء نصر الله والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے, یہاں دیکھیے جاء فعل ماضی ہے لیکن ترجمہ مضارع سے ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جہاں پہ ماضی کا ترجمہ مضارع سے کیا جاتا ہے, یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اذا جاء نصر الله والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح, فتح سے مراد فتح مکہ, اور اللہ کی مدد سے مراد مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ پانا, یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے یعنی مسلمان کافروں پر غالب آ جائیں, والفتح اور اس کی فتح بھی, یعنی کہ مکہ فتح ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کس سن میں فتح ہوا, آپ بتائیے, کون بتائیں گے مکہ کس سن میں فتح ہوا, کسی کو معلوم ہے؟ ہاں بولو فیصل۔ हाँ जी 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 अहसन, मक्का सन 8 हिजरी में फतेह हुआ। तो फरमाया जब अल्लाह की मदद आ जाए और मक्का फतेह हो जाए, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, और तुम देख लो कि लोग दीन के अंदर जौक दर जौक, झुंड दर झुंड दाखिल हो रहे हैं। जाहिर बात है जब तक मक्का फतेह नहीं हुआ था तब तक लोग एक या दो ऐसे धीरे धीरे लोग इस्लाम में दाखिल होते थे, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मक्का फतेह हो गया तो इस्लाम में लोग कसरत से झुंड दर झुंड, जमात दर जमात, जाप दर जब लोग दाखिल हो गए। तो फरमाया कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और उसकी फतह यानी मक्का फतेह हो जाए, और तुम देखो कि लोग दीन में यानी दीन इस्लाम में झुंड दर झुंड दाखिल हो रहे हैं, फसब्बिह बिहम्द रब्बिक, तो आप अपने रब के हम्द की तस्बीह बयान कीजिए। तो उस वक्त आप अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह तबारक ताला बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। जाहिर बात है मैंने बताया पहले ही कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबे कराम समझ गए कि अब अल्लाह के रसूल का आखिरी वक्त आ चुका है, आपको कसरत से तस्बीह और अल्लाह की तारीफ और उसकी बड़ाई बयान करने के लिए कहा जा रहा है। तो
हमें भी चाहिए इससे ये मफहूम वाज़ेह हुआ कि इंसान को जिंदगी के आखिरी अय्याम में कसरत से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नेक काम करने चाहिए और अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जैसा कि आपको इस आयत के अंदर हुक्म दिया गया, तो ये सूरह फ़त्ह का मुख्तसर तर्जमा और उसकी तशरीह हुई और इंशाअल्लाह बाकी आपको इसके बाद जो सूरत है वो सूरह काफिरून है, इसका तर्जमा इंशाअल्लाह अगले सबक में किया जाएगा। और इसी के एतबार से अगर किसी को कोई सवाल हो तो सवाल कर सकता है। हाँ बताइए, कुछ पूछना इस आयत के ताल्लुक से, अगर किसी के समझ में कोई बात ना आई हो तो पूछे डायरेक्ट। हाँ मोइनुद्दीन मोहम्मद मोइन, तर्जमा वाज़े हो गया? ठीक है, इसमें जो है बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वाला आलिही वसहबी अजमईन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।